हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू द लर्निंग अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स पेपर है, जो कि माइनर का पेपर है, इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। एमए सेमेस्टर वन का पेपर है, जो कि 2023 का पेपर एनईपी के तहत आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। इसमें बेसिकली 9 क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और बाकी सेक्शन नंबर बी में हमारे 100 टाइप क्वेश्चन है, जो कि 150 वर्ड्स में लिखना है, 150 वर्ड्स में। इसके बाद जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है सेक्शन नंबर सी में है, वो बेसिकली हर एक आंसर 400 वर्ड्स में बताना है, ठीक है। 4 यूनिट्स होंगी हमारे पास शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स में। हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा आ गया सेक्शन नंबर ए, जो कि बेसिकली हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन करना है। सो बेसिकली ये हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर सेंसस ऑफ 2011। 2011 के अनुसार जो हमारा सेक्स रेशियो है वो कितना है, 918, 916, 912, 940 कितना है, वो आपको बताना था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन उत्तर प्रदेश इन ईयर 2021 टू 2022। जो वर्ष 2022 और 23 में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत रही, ये आपको बताना था। विच सेक्टर इज डोमिनेटेड द SGDP ऑफ उत्तर प्रदेश, कौन से सेक्टर ने SGDP को डोमिनेट किया है, ठीक, ये आपको बताना था। इसके बाद जो हमारा 4th क्वेश्चन आता है, वो बेसिकली कह रहा है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इरिगेशन टूल यूज्ड इन उत्तर प्रदेश, इसमें से कौन सा कॉमनली यूज्ड टूल है इरिगेशन का, स्प्रिंकल इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन या नन ऑफ अबव। वही सेम क्वेश्चन हिंदी में भी दिया है, उत्तर प्रदेश के उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य प्रकार के सिंचाई उपकरण हैं, ठीक, फवारा द्वारा सिंचाई, नलकूप द्वारा सिंचाई, नहर द्वारा सिंचाई, इनमें से कोई नहीं, ठीक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो बेसिकली था, हाउ मेनी नेशनल हाईवे पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश, कितने जो है राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कितने उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं, उसको आपको जवाब देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ MSMEs इन इंडिया, ठीक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश कॉन्ट्रीब्यूशन इन द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है, कितने परसेंट, वो आपको बताना था। इसके बाद आ जाता है, व्हाट इज़ द टोटल फर्टिलिटी रेट इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर कितनी है, आपको बताना था। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फसल किसकी होती है, गन्ने की, चावल की, गेहूँ की या बाजरा की, आपको बताना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आ जाता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कंट्रीज वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देश के कितने प्रतिशत सब्जियां का उत्पन्न होता है, 2022 के अनुसार आपको बताना था। तो यहां पे हमारा सेक्शन नंबर ए कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग सेक्शन नंबर बी पे, सेक्शन नंबर बी बेसिकली 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, हर यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो 5 मार्क्स का होगा और हर एक क्वेश्चन लगभग 150 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो आप पहुंचते हैं यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 में बेसिकली 2 क्वेश्चन है, सबसे पहले बताना है फीचर्स ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषताओं के बारे में बताना था, ठीक। इसके ऑप्शन में क्वेश्चन जो है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विकास में गैर आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। अब यूनिट नंबर 2 आ जाता है हमारा, सेक्टोरल स्ट्रक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का क्षेत्रीय संरचना कैसी है, वो बताना था। रिसेंट ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रदर्शन कैसा है, वो बताना था। इसके बाद आ जाता है हमारा यूनिट नंबर 3, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आपको बताना था, ठीक। फिर आ जाता है पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग्स इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जोतों का पैटर्न आपको बताना था। इसके बाद हमारी आ जाती है यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको डिस्कस करना था मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक। इसके ऑप्शन में था सर्विस सेक्टर इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सेवा क्षेत्र के बारे में बताना था। इसके बाद बेसिकली हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर सी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 4 यूनिट में डिवाइडेड है,
सेक्शन सी हाई यूनिट में दो दो क्वेश्चन है, एक एक अटेम्प्ट करना है हर यूनिट से और 400 वर्ड में आंसर आपको देना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है वो बेसिकली है हमारा डिस्कस द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो जन की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच एफेक्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को आपको डिटेल में समझाना था। ठीक, हमारी यूनिट नंबर 2 आ जाता है एलाबोरेट द ग्रोथ पैटर्न ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था के संवर्धित स्वरूप को विस्तृत करना था। एक्सप्लेन द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो अधोसंरचनात्मक विकास को समझाना था डिटेल में। फिर आ जाता है हमारा यूनिट नंबर 3 डिस्कस द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, ऑल्सो एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास की विवेचना करना था और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में करना था। कृषि और क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के मध्य में संबंध को भी समझाना था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन उत्तर प्रदेश और इनके सोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करना था। फिर आ जाता है हमारा यूनिट नंबर 4 जिसमें जो पहला क्वेश्चन है डिस्कस द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उत्तर प्रदेश में उसके बारे में आपको डिस्कस करना था। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के स्वरूप की विवेचना कीजिए। इसके बाद आ जाता है हमारा डिस्कस द लिंकेजेस बिटवीन द सर्विस सेक्टर एंड द अदर सेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। जो सेवा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था है के दूसरे क्षेत्रों के मध्य संबंधों की विवेचना करना था उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। सो ये बेसिकली हमारा पेपर था माइनर का जो कि इकोनॉमिक्स में था, इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। बेसिकली जब हम लोग एम ए ज्योग्राफी करते हैं तो उसके तहत एक अलग सब्जेक्ट हमें चूज़ करना पड़ता है, उसका माइनर का पेपर होता है। तो उसके तहत जो इकोनॉमिक्स का पेपर था इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे ही और वीडियोस आते रहेंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट। एंड जय हिंद दोस्तों।